वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक सिंपल सा पार्टी मेकअप लुक, जो कि मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएट किया है इस मेकअप लुक को। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने इस वीडियो के एंड में कुछ अपने फोटोशूट्स जो मैंने खुद ही की थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, तो प्लीज जरूर बताना पोजेस कैसे लगे आपको और मेरा ड्रेसअप कैसा लगा है और मेकअप लुक कैसा लगा। और मैंने कोशिश की है कि बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ इस मेकअप लुक को क्रिएट किया जाए, और मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं तो आपको थोड़ा सा अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है या खराब हो गया है, मतलब वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आ जाए, अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लग जाए तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन लोगों के लिए होगा जिनके पास मेकअप के नाम पर बस कुछ ही चीज़ें होती हैं, बस कुछ ही प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक काजल, फाउंडेशन एंड लाइनर, लिपस्टिक। लुक अच्छा होने वाला है। मेकअप करने से पहले आपको अपना फेस वॉश जरूर करना है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैंने आधे घंटे पहले अपना फेस वॉश किया था तो अभी मुझे फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपना फेस वॉश जरूर करें मेकअप करने से पहले। फेस वॉश करने के बाद आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर, तो मैं यहाँ पर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लूँ जो भी आपके पास। पहले आपको अपनी स्किन पर प्राइमर अप्लाई करना है। प्राइमर अगर नहीं है तो आप इसकी जगह एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। हाई पॉइंट्स पर आपको अप्लाई करना है, आपका मेकअप इससे क्रैक नहीं होगा और जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स होता है वो स्किन के अंदर नहीं जाएगा, पोर्स को फिल कर देगा ये। अब आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर प्लस फाउंडेशन, दोनों मिक्स करके मैं लगाती हूँ। अगर आप अलग अलग इसे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले मॉइस्चराइजर लगाना है, देन प्राइमर लगाना है, एंड उसके बाद आपको लगाना है फाउंडेशन। गाइस, मैं विंटर के टाइम में कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ नहीं करती हूँ, ऑलरेडी मेरी स्किन ड्राई है। कॉम्पैक्ट पाउडर से बहुत ही ज़्यादा स्किन रफ सी लगती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे। तो विंटर के टाइम में अगर इसे आप अवॉइड करते हैं तो आपका मेकअप और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यार ज़रूरी नहीं है कि जितना आपके मेकअप किट में है उस सबको आपको यूज़ करना है। स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज़ करें कि आपकी स्किन पर क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या आप और अप्लाई कर सकते हैं अच्छा लगने के लिए, या फिर क्या आप स्किप कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्पैक्ट आप स्किप कर सकते हैं विंटर के टाइम में। नेक्स्ट है हमारा कंसीलर। वैसे कंसीलर का यूज़ मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसको यूज़ करने की। फिंगर की हेल्प से सेट करना है और जिस जगह पर कंसीलर लगाया है उसे स्प्रेड करना है, फैलाना है फिंगर की हेल्प से, लाइक दिस। इसे पूरे स्किन पर रगड़ना नहीं है। अंडर आई को कंसील कर लिया है एंड नेक्स्ट आई मेकअप करते हैं। सो गाइस, आई मेकअप के लिए आपको चाहिए है एक सिंपल से काजल या आई पेंसिल, इसे बोलते हैं, आपको ये चाहिए। अगर आपके पास आई शेडो पैलेट है तो वो और भी अच्छा है। अगर लाइनर की तरह आपको काजल लगा लेना है, थोड़ा सा थिक लगाया है क्योंकि हमें ब्लैक स्मोकी आई चाहिए, तो अभी इसे हम ब्लेंड करने वाले हैं ब्रश की हेल्प से। 6 a.m. and I'm up again, I got tired eyes, need a cup of blend, that's right, in the a.m. that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon, I lose track of time, yeah, I move fast and climb, a new class divine, yeah, true passion shines, and I'm through passing time, I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. आउटर कॉर्नर पर मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है एंड इनर कॉर्नर पर मैं गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट का। काजल को मैंने अप्लाई कर लिया है एंड काजल अप्लाई करने के बाद मैंने लिपस्टिक, काजल और लिपस्टिक को हम ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करेंगे। So you can see the difference.
मस्करा सूख चुका है, बिल्कुल भी सूख चुका है। तो टिप नंबर फर्स्ट कि अगर आपका मस्करा सूख जाए तो क्या करना है, उसमें रोज़ वाटर ऐड करना है। 2 से 3 ड्रॉप्स आप इसमें रोज़ वाटर के ऐड करेंगे। 3 ड्रॉप मैंने ऐड की हुई है। सेकेंड कि आपको मस्करा अप्लाई करते टाइम ऐसे 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 अंदर बाहर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर एयर चली जाती है और हमारा मस्करा ख़राब हो जाता है। सिंपल आपको ऐसे निकालना है और यूज़ करना है। लेसेस रूट से लेकर के टिप तक लगाना होता है, इससे आपकी लेसेस बहुत ही थिक लगेंगी, लॉन्ग लगेंगी। लोअर लेसेस पे भी हमें अप्लाई करना है। कुछ लोग स्किप कर देते हैं, पर इसे नहीं करना है स्किप। नाउ यू कैन सी आईब्रोज फिल करनी है। मैं आईब्रो पूरी फिल नहीं करती हूँ, यानी कि बिल्कुल जो आर्टिफिशियल टाइप लगती हैं वैसे मैं नहीं करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा ऐसे पेंसिल की हेल्प से ही करूँगी। मैं आईब्रोज फिलर में मस्कारा का यूज़ कर लेती हूँ, बस मुझे थोड़ा सेट करनी होती है। I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो आप आई शेडो पैलेट को यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आई शेडो पैलेट ही यूज़ करने वाली हूँ ऐसा ब्लशर, तो गोल्डन ऐसा हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. यार वैसे रियल में तो सही लग रहा है, पर कैमरे के सामने मुझे बहुत ज़्यादा रेड, बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे स्टेप्स क्लियर बताए हैं, एंड अगर कोई स्टेप मिसिंग हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लुक कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताना, एंड कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of